मनाड़ा चोपड़ा को रीसेंट एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि क्या आप बिग बॉस OTT3 देख रहे हो, तो आपका फेवरेट कौन है। मनाड़ा ने वहां पर बोली थी कि नो, आई एम नॉट वॉचिंग, आई एम क्वाइट बिजी, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम दिस एंड दैट। तो उसने कहा था बेसिकली मेरे पास उतना टाइम नहीं है फालतू का, मैं OTT3 देखू, जस्ट क्लिप वगैरह देखती हूँ। लेकिन अचानक से मनाड़ा को क्या हो गया, जो बंदी अभी तक कुछ नहीं बोली थी शो के बारे में, अचानक से लाइव आती है, लाइव आकर कुछ भी बोल रही है, लेकिन क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है। लोगों का कहना माने तो मुनावर का फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल रही है मनाड़ा चोपड़ा लाइव आकर सना मकबूल के लिए, लेकिन क्या बोली है चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एंड Facebook पेज पे एमएक्स पंच विद सुपर्णा। रिक्वेस्ट करेंगे भाई जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी भी नहीं किया है, तो साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो बेसिकली अगर मनाड़ा चोपड़ा का बात करूं तो मनाड़ा चोपड़ा, यस, मनाड़ा चोपड़ा शो के बारे में कुछ नहीं कहा कभी भी अभी तक, बिग बॉस OTT3 जब से स्टार्ट हुआ था अंटिल नाउ किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अचानक से वो लाइव आकर अचानक से ऐसी बात बोल रही है। उसने लाइव आकर क्या बोली है कि लिपस्टिक लगाकर घूमने से या कुछ सेलिब्रिटीज दोस्त बनाने से अचानक से मूड हुआ कि मैं बिग बॉस चली जाऊंगी, और बिग बॉस चले जाते हैं ऐसे लोग और जीत जाते हैं ट्रॉफी, क्योंकि उनका जो सेलिब्रिटीज फ्रेंड है जिनका बहुत सारा फॉलोअर्स है वो लोग यहाँ से चेयर अप करते हैं, उनके लिए वोट अपील करते हैं और जीत जाते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, तो आप सोच कर समझ कर फिर डिसाइड करके वोट करें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुनावर फारूकी जो है सना मकबूल का अच्छा दोस्त है, तो मुनावर डेफिनेटली स्टैंड लिया है सना मकबूल के लिए, स्टैंड लिया इन द सेंस के वोटिंग के लिए अप्लाई किया है, जो कि नॉर्मल सी बात है, अगर आप दोस्त हो तो करो। जैसे अलवेश आए थे लवकेश के लिए वोट अपील के लिए, सेम वे में मुनावर ने भी वोट अपील किया क्योंकि अभी फिनाले चल रहा है सना मकबूल के लिए। तो वही चीज को लोगों का कहना है कि टारगेट करके मनाड़ा ने बोली है। अब मनाड़ा का हो सकता है प्रॉब्लम है सना मकबूल के साथ, बट मेरा यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है कि तुम अभी क्यों आई, तुम तो अभी पहले से तो कुछ नहीं बोली, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं गेम प्रोस्पेक्ट पे बात करूं, जो लोग भी देखे हैं शो को उनको अच्छे से पता होगा कौन डिजर्विंग है कौन नॉन डिजर्विंग है, और मैंने पहले भी कहा था जितना भी आपका फॉलोअर्स हो अगर आप शो पे कुछ नहीं करोगे तो यू विल नॉट विन, नॉट पॉसिबल, एंड इवन बिग बॉस आपको रहने नहीं देगा। जैसे UK07 को इतना पॉलिटिक्स करके बाहर किया, हाँ MC स्टैन जीत गया था, उसके बाद से ही बिग बॉस का अगर आप नोटिस किए तो ये सब स्टार्ट हुआ है। MC स्टैन का जीतने के बाद से ही लोगों को ज्यादा, मतलब घर वाले को ज्यादा पावर देते हैं बिग बॉस, इफ यू नोटिस गाइस, क्योंकि वही रीजन है कि अगर ऐसा कोई इंसान कुछ नहीं करेगा ट्रॉफी ले जाएगा तो ऐसे तो कोई सेलिब्रिटीज नहीं आएंगे ना, और जो लोग पावरफुल है वो लोग नहीं आना चाहेंगे, जिनका पैसा का सपोज उतना जरूरत नहीं है जितना उनका रेस्पेक्ट का है, गेम पे नहीं जाना ये सब सोच रहे वो लोग नहीं जाएंगे, तो वही बात है। तो इसीलिए बिग बॉस इतना ज्यादा प्लानिंग करते हैं जाके डिजर्विंग जीते। लेकिन हाँ, इस बार सीजन जैसे मैंने पहले भी कहा था बहुत गंदा गया, लवकेश को बाहर कर दिया क्योंकि लवकेश का बहुत ज्यादा था इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि उसका नहीं था, बहुत कुछ किया था शो पे, शो पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत आई था, विशाल का बहुत आई था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते बाहर कर दिया। लेकिन अगर मैं सना मकबूल का बात करूं तो सना मकबूल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई, ऐसा नहीं कि वो लिपस्टिक लगा के शो पे घूमी है, नो, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना स्ट्रांग पर्सनैलिटी को दिखाई है, बींग एन सिंगल वुमेन, वो एक लड़की थी जो पूरे घर पे भारी पड़ी। अभी भी अगर कोई नेगेटिव बात होता है वो लोग बोलते हैं कि सना मकबूल का ही गलती है, क्योंकि उसने वो चीज दिखाई, उसने कंट्रीब्यूट किया शो पे, जितना भी इतना कुछ उसको टैग पड़ा कि गटर छाप है, मेकअप करके घूमती है, उसका फेस का लिप सर्जरी को मजाक बनाया गया, स्टिल वो स्माइली, उसका फेस पे हमेशा हंसी था, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करती है। तो मनाड़ा का जो ये सोच है, मनाड़ा का जो ये बात है, डेफिनेटली काफी अपसेटिंग है क्योंकि बहुत लोग यही चीज बोल रहे हैं। लेकिन इसमें आपका क्या सोच है, आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताना, एंड यस टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट एंड मोर गॉसिप। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।